नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लोपिडोग्रेल टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और क्लोपिडोग्रेल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। क्लोपिडोग्रेल टैबलेट एक एंटी प्लेटलेट ड्रग क्लास की दवा है जो खून को पतला करती है और शरीर की नसों में ब्लड के क्लॉट को बनने से रोकने में मदद करती है। क्लोपिडोग्रेल टैबलेट खून को पतला रखती है जिसकी वजह से दिल का दौरा और लकवा लगने का जोखिम कम हो जाता है। जिन व्यक्तियों को पहले कभी दिल का दौरा या लकवा लग चुका है, ऐसे व्यक्तियों में आगे दिल के दौरे या लकवा लगने के जोखिम को कम करने के लिए भी डॉक्टर क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। क्लोपिडोग्रेल एक सॉल्ट नेम है। क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को क्लोपिवास आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। क्लोपिडोग्रेल टैबलेट 75 mg, 150 mg व 300 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में क्लोपिडोग्रेल 75 mg टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को हर रोज एक टाइम पर लेना रेकमेंडेड होता है। मान लीजिए आज आपने क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को सुबह 8 बजे लिया है, तो आपको हर रोज क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को सुबह 8 बजे ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लोपिडोग्रेल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्लोपिडोग्रेल टैबलेट खून को पतला करती है जिसकी वजह से कोई चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। अगर आप क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को ले रहे हैं और आपको अगर ज्यादा चोट लग गई है तो आपको तुरंत ही नजदीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए ताकि अधिक ब्लीडिंग होने के जोखिम को कम किया जा सके। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में क्लोपिडोग्रेल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में क्लोपिडोग्रेल टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, नाक से खून आना, दस्त, बदहजमी, सीने में जलन, शरीर में थकान और सिर दर्द हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। शरीर में प्लेटलेट्स कम होने पर, पेट में अल्सर होने पर, पेट में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, हीमोफीलिया होने पर, ब्रेन हेमरेज होने पर और लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कोई सर्जरी होने वाली है या दांत निकलवाना है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर सर्जरी करने से या दांत निकालने से 1 से लेकर 2 सप्ताह पहले क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को रोकने की सलाह दे सकता है। इसलिए यदि आपकी सर्जरी होने वाली है या आपको दांत निकलवाना है, तो आपको क्लोपिडोग्रेल टैबलेट के बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को क्लोपिडोग्रेल टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्लोपिडोग्रेल टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए क्लोपिडोग्रेल टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब क्लोपिडोग्रेल टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को
क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका क्लोपिडोग्रेल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।